हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका टेक गुरु। आज हम बातें करने वाले हैं दुबई में अगर जॉब लग जाए और कंपनी ने अगर आपको अकोमोडेशन रहने का नहीं दिया तो नॉर्मली कितना खर्चा होता है। ओके, तो इस बात पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर सोचा जाए कि आपके कंपनी ने आपको अकोमोडेशन रहने का खर्चा यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, कितना खर्चा होता है। ठीक है, बहुत सारे बंदे विजिटिंग पे आना चाहते हैं मगर उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे खर्चा कितना होता है। ठीक है, तो आज मैं उन सब के लिए बेसिक मिनिमम खर्चा यहाँ पे बता देता हूँ कितना होता है। ठीक है, अगर आपको इंडिया से दुबई में आना है तो टिकट का खर्चा पहले तो होता है 15,000 तक। ओके, अगर आपने वन वे निकला है तो 15,000 खर्चा होगा आपका, 15,000। अगर आप टू वे टिकट निकाल रहे हो तो 20,000 से 25,000 रुपये आपका टिकट का खर्चा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कई कंपनियां टिकट देती है, कई कंपनियां टिकट नहीं देती है। ओके, वो डिपेंड होता है कंपनी पे। अगर कंपनी ने टिकट नहीं दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, आप आपके टिकट पे आ जाओ, वो भी जा देते हैं। ठीक है, अभी अगर कंपनी ने आपको अकोमोडेशन और फूड दिया, ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, आपकी पूरी सैलरी आपकी सेविंग जाती है। मगर अगर कंपनी ने आपको रहने का खर्चा अगर नहीं, अकोमोडेशन अगर नहीं दिया तो यहाँ पे कितना खर्चा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो तीन टाइप के अकोमोडेशन होते हैं। ओके, एक पहला वाला है खुद की रूम ले लो या खुद का अपार्टमेंट ले लो। दूसरा ऑप्शन है किसी अपार्टमेंट में शेयरिंग हो जाओ। और थर्ड पॉइंट है बेड स्पेस। ओके, अगर यहाँ पे आप खुद का अपार्टमेंट लेना है तो वो बहुत 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 बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि अब खुद का 3 BHK अगर आपको यहाँ पे अपार्टमेंट लेना है तो उसका ईयरली खर्चा होता है 18 लाख इंडियन रुपीज। 18 लाख बोल रहा हूँ मैं, इंडियन रुपीज मतलब यहाँ का 1 लाख दिरहम। तो ये नॉर्मल तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे जो भी बंदे रहते हैं वो शेयरिंग में रहते हैं। तो ये जो मेरा रूम देख रहे हो आप, ओके, ये मेरा एक रूम होता है, मेरा ये रूम का रेंट है 45,000 इंडियन रुपीज। कितना? 45,000 रुपीज। मेरी सैलरी अच्छी है इसलिए मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इतना पैसा मैंने इंडिया में लगा दिया तो मेरा 3 BHK फ्लैट आ जाएगा, मतलब मंथली अगर मैंने स्पेंड किया तो। ठीक है, ये छोड़ दो। दो पॉइंट जो मैंने बोले थे कि आपको क्या करना है अगर आपको जॉब यहाँ पे लग जाए या आप विजिट पर आते हो और आपको कम से कम खर्चे में यहाँ पे रहना है तो आप बेड स्पेस चुन सकते हो। बेड स्पेस मतलब एक रूम होता है उसमें 6, 4, 8 ऐसे बंदे होते हैं, बेड होते हैं, बेड अलग अलग वाले, मतलब शेयरिंग में आपको रहना पड़ता है। तो उसका खर्चा होता है दोस्तों 10,000 तक। ओके, 8, 9, 10 ये रेंज में होता है, उससे आगे होता है। ठीक है, मतलब यहाँ के 500 दिरहम 600 दिरहम में आपको बेड स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला बेड अगर हो तो उसका रेंट कम होता है, नीचे वाला बेड अगर हो तो उसका रेंट ज़्यादा होता है, सेपरेट बेड हो तो उसका रेंट अलग होता है। ठीक है, तो नॉर्मल इसकी रेंज है 10,000 से 8, 9, 10,000 से आगे, पकड़ लीजिए मंथली 8,000, 9,000, 10,000। ठीक है, कम से कम में भी देख सकते हो आप, मगर ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए मैं जो आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इससे भी नीचे जाते हो तो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं होगा, मतलब क्लीननेस नहीं होगी वहाँ पे, तो ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो रहने का हो गया 8,000, 9,000, 10,000। अगर आपको 8 लोगों में नहीं रहना है, आपको क्या करना है, एक बंदा दो बंदे के साथ रूम शेयर करनी है तो उसका खर्चा आता है 15,000 से 20,000 तक। मतलब क्या करना है, ये जो मेरी रूम देख रहे हो आप, ऐसे एक रूम में आपको पार्टनर देखना है, उसके साथ रहना है। तो रूम में होंगे दो या तीन लोग और आपको जो भी 45,000 आता है रेंट वो आपको 3 लोगों में सेपरेट करना है। समझ गए? नॉर्मली आपको चूज करना है फिक्स, यहाँ पे आने पे पहले आपको चूज करना है बेड स्पेस। बेड स्पेस पे कम होता है
होता है 8,000-9,000-10,000 इंडियन रुपीस, इंडियन के बता रहा हूँ, आप कन्वर्ट कर लीजिए। आप अगर पाकिस्तानी से हो तो पाकिस्तान के कितने होते हैं, नेपाल में हो तो नेपाल के कितने होते हैं, यहाँ के होते हैं 400-500-600 दिरहम से आगे होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये हो गया खाने का, ये हो गया रहने का, अभी मैं बताता हूँ खाने का। खाने के लिए अगर आप खुद बनाते हो तो 5,000 बहुत हो गए खाने के लिए मंथली। ओके, 5,000 इंडियन रुपीस, मतलब यहाँ के 250-300 रुपये पकड़ लो, यहाँ के 250-300 दिरहम। अगर आप खुद बनाते हो तो बेड स्पेस में आप जहाँ पे रहोगे वहाँ पे खुद बनाने की किचन होता है तो, और बर्तन भी वहाँ पे होते हैं तो आप खुद बना सकते हो जो भी आपको बनाना है। मगर आपको अगर होटल में मेस लगानी है तो वन टाइम लंच का 300 दिरहम मिनिमम होता है। 300 दिरहम मतलब होता है 6,000-7,000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक टाइम का ही 6,000-7,000 होता है अगर आप होटल में मेस लगाते हो यहाँ पे तो मुझको। और आप अगर डेली अगर खाना चाहते हो तो यहाँ पे एक टाइम का अगर खाना खाया जाए तो 10 दिरहम से 15 दिरहम तक खर्चा हो जाता है, 10 दिरहम से 15 दिरहम तक। ऑप्शंस बहुत हैं, ओके, ऑप्शंस बहुत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप खुद बनाओ, खुद खाओ, पैसा बचाओ। खुद बनाते हो तो पैसा ज़्यादा नहीं जाएगा दोस्तों। रहने का, खाने का हो गया। अभी आप देखो ट्रांसपोर्टेशन का अगर बात किया जाए कंपनी की ट्रांसपोर्टेशन होती है, अगर नहीं है, अगर आपकी कंपनी पास में ही है तो प्रॉब्लम नहीं है। पहले मेरी कंपनी पास में ही थी, अभी 2 महीने पहले शिफ्ट हो गई कंपनी मेरी, 2 किलोमीटर दूर चली गई है, तो अभी मैं तो बस से जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बस होती है, टैक्सी होती है, सब है, तो बस से जाए अगर जाना है आपको तो 2 दिरहम लगते हैं। यहाँ पे कार्ड सिस्टम होता है, ये टाइप का कार्ड आप दे सकते हो, ये टाइप का कार्ड आपको मिल जाता है, इसमें आपको पैसे डालने मशीन से, जैसे एटीएम मशीन होती है हमारी, उसी तरह से इसमें पैसे डालने हैं, और ये कार्ड आप बस में यूज कर सकते हो दोस्तों, ये टाइप का कार्ड होता है, देख लीजिए। तो नॉर्मली 2 दिरहम एक ट्रिप के, या 4 दिरहम अगर लंबा ट्रिप है तो 4 दिरहम होते हैं दोस्तों। और पास में ट्रिप है, पास में मतलब सिटी में जो भी ट्रिप है सिटी में, उसके ट्रिप के लिए आपको 2 दिरहम लगते हैं। अगर आपको सिटी के बाहर जाना है, मतलब आउट ऑफ सिटी इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे आपको जाना है तो 4 दिरहम लगते हैं। आप दिरहम कन्वर्ट करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो अभी पहले मैं इंडियन करेंसी कन्वर्ट करता था, मगर अभी ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, यहाँ के 4 दिरहम होते हैं। ठीक है, अगर टैक्सी का यूज़ किया जाए तो टैक्सी भी है, वी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया रहने का, खाने का और ट्रैवलिंग का। आपके कुछ भी कमेंट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ईमेल भी मेरा लिखा हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, आपको इसका यूज़ नहीं हुआ तो आपके दोस्त को होगा, किसी न किसी को होगा, ये बातें कोई बताता नहीं है, मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, इसलिए मैं ये बातें डायरेक्टली आप तक पहुंचाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेडिकल कैसे होता है। ठीक है, चलो बाय बाय।